तो इस समय में बहुत सारे थिंकर्स हुए, हम बात किए थे थिंकर्स हुए थे, और ये थिंकर्स में 60 से ज्यादा समय थे। और कभी दुनिया में ऐसा सा टाइम आता है ना जब बड़ा तेजी से, फिर एक राहुल शंकर जी का बात बोलेंगे कि हमारा जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे नहीं चलता, वो लिफ्ट हो जाता है, मेढक जंप लेगा, फिर कुछ वहीं पर रहेगा, फिर जंप लेगा। तो ये जंपिंग पीरियड है सर, और इसलिए हम लोग चूंकि इस समय लोग बड़े इंटेलेक्चुअली चर्मिंग चल रहा था, वो सब दिमाग में उधर उधर चल रहा था, इसके बारे में सोचने भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इसमें से दो बड़े फेमस हुए, दो फेमस हुए उनमें से एक जो थे बुद्ध थे और एक थे महावीर। बुद्ध जो थे वो उनका पॉपुलरिटी महावीर से ज्यादा नहीं था, लेकिन हम जैसा बता रहे थे कि उस समय जिसका भी जो पॉपुलरिटी रहा हो, लेकिन फ्यूचर में जरूर नहीं कि वैसे ही रहेगा। तो फ्यूचर में तो बुद्ध का ही पॉपुलरिटी ज्यादा था, और बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो हिस्ट्री को का डिगिंग किए क्या हो रहा था बुद्ध के टाइम। ठीक, तो इस हमारे पास उसका डेटा हमारे पास ज्यादा है। तो बुद्ध के बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी हमारे पास जो है उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और डेथ हुआ था 483 BC। लेकिन ये डेट अगर हम SSC के हिसाब से बोले ठीक, बट अगर UPSC के हिसाब से बोले तो ये डेट जरूरी नहीं है कि सब सकता है। तो आप लोग अगर लिखना पड़ेगा तो साफ साफ लिख सकते हैं कि सर्वाधिक स्वीकार्य तिथि, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट, तो ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन रिसेंट अगर आप पेपर में जाएंगे तो निश्चित ही 100% साल पीछे जाने वाला है आज से कुछ साल बाद, देख लेंगे हिस्ट्री से चेंज होगा। तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल का तराई में है आज, लेकिन वहाँ का कल्चर पूरी तरह से इंडियन है, पूरी तरह से इंडियन कल्चर है। जब आप अभी घूम के आए थे तो वहाँ पर मनोज तिवारी को भोजपुरी गाना बज रहा था, ठीक है, तो वो गोरखपुर का ही कल्चर लेके रखे हुए। गोरखपुर जैसे गोरखपुर बाउंड्री क्रॉस करेंगे आपको मिल जाएगा कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु से उनकी माँ महामाया जो राजकुमारी थी, ये पूरी राजकुमारी थी, अपने मायके जा रही थी, और उस मायके जाने के क्रम में बुद्ध का जन्म हुआ। बच्चा का नाम सिद्धार्थ पड़ा और उनका उनकी मौसी उनका उसका पालन पोषण की, क्योंकि माँ का मृत्यु हो गया था। और हम लोग तो यही पता लगा कि बुद्ध के बारे में ज्योतिष को भविष्यवाणी किए थे, इस कारण से बुद्ध को चट स्वर्ण बोल रहे, बुद्ध को एक तरह से महल में कैद कर लिया गया ताकि दुखों का दर्शन न कर सके। और जब किसी को इस तरह का प्रोटेक्शन में रखेंगे कंट्रोल्ड चाइल्ड, इसको अगर ऐसा होगा जिसको कि जिसका माँ बाप उसका हर ही आवश्यकता को पूरा करके अगर सोचे कि बच्चा बड़ा अच्छा बनेगा फ्यूचर में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बच्चा को फ्रस्ट्रेशन से डील करना चाहिए। एनीवे ये जो होगा प्रोबेबली फ्रस्ट्रेशन से डील नहीं कर पाए और इनको लगा कि दुनिया में छोड़ देना चाहिए और ये संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति ये सारे के सारे लोगों को बताया कि ज्ञान प्राप्ति हुआ तो क्या हुआ। मरने के बाद इनके मृत्यु के बाद से लोग संगीति किए, संगीति में हम लोग बड़े खास दो संगीति तक हम कवर किए थे। तो पहला बौद्ध संगीति के बारे में बात किए थे, तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, राजगीर सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी, ठीक। और दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली। अगर हम यहाँ बात करें तो इसका हेड कहा था महाकाश्यप, ये सब प्रकृत भाषा में ऐसे ही लिखते हैं महाकाश्यप। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र इस समय तक बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय थे, ईयर 483 ये 250 या 251 में हुआ था। हेड का नाम से बुक लिखी है, उस बुक का नाम था कथा वस्तु। ठीक, मोगालीपुत्र से बुक लिखे उस बुक का नाम था कथा वस्तु। इसी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का रचना हुआ, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक यहाँ रचना हुआ। और अभिधम्म पिटक पिटक दर्शन शास्त्र की पुस्तक है, फिलॉसफी। ठीक, इस तरह से बौद्ध धर्म में तीन पिटक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
सत्पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन का संग्रह है। ठीक, बौद्ध दर्शन क्या है वही बात करेंगे। तो इस समय 18 संप्रदाय थे। कोई भी पार्टी अगर है इस दुनिया में, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब चीज पॉलिटिकल पार्टी के साथ सोचेंगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो उसके फैक्शंस हो जाते हैं, टूट-फूट के निकल जाते हैं। समाजवादी एक बार पार्टी बनते, जनता पार्टी, अब जमात जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी समाजवादी पार्टी सब बन चुके हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय थे। वो उन संप्रदायों में कुछ डिस्प्यूट था जिसको रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग हुआ था, अशोक का टाइम है। इसके बाद चौथा बौद्ध संघ इति के बारे में चतुर्थ, ये जिसका ये किसी को नहीं पता है। चतुर्थ चतुर्थ हुआ था पहली शताब्दी ईस्वी, कौन नहीं मालूम, सेंचुरी सी। हाँ, राजा का नाम सबको पता है, ये था कनिष्क। कनिष्क हुआ कहाँ था, कश्मीर के कुंडल पर, कश्मीर कुंडल पर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये मीटिंग जालंधर में हुआ। चौथा वाला हमारा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हम क्लास में पहला वाला बता रहे हैं, किसी का कॉपी भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, कुंडल लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखना होगा, हम लिखने के साथ बात कर रहे हैं, लिखना होगा तो ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा सीखने के लिए। ठीक, तो ये कश्मीर का जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जो बड़े बड़े से समुदाय मतलब 18 जो थे, 18 में से ग्रुपिंग कर दीजिए, कुछ हीनयान हुए और कुछ हुए महायान, हीनयान और संगीति में। हाँ, संगीति में यही टूट हुआ। अब ऐसा कुछ जो हमारा सूरत विभाजन हुआ था उसी टाइप का कुछ हुआ होगा। वो लोग बैठे होंगे, झगड़ा किया होंगे, झगड़ा करने के बाद एक ग्रुप हीनयान, एक ग्रुप महायान। हम आगे का स्टोरी कंटिन्यू कर दे रहे हैं कुछ दूर तक ले जाके। ये राजा कनिष्क बौद्ध था, विदेशी राजा था, कुशान। ठीक, और ये मीटिंग करवाया था। और इसके अशोक के टाइम से बौद्ध धर्म बड़ा तेजी से फैलना शुरू हुआ, बहुत ही फास्ट। बौद्ध धर्म का स्टोरी एक भारत का एक बहुत बड़ा कल्चरल सक्सेस, बहुत बड़ा। मतलब अगर बात करें जो विजय होगा वो विजय तो मिलिट्री भी हो सकता है और साथ ही साथ कल्चरल सांस्कृतिक भी हो सकता है। तो अंग्रेज ने हम पर मिलिट्री रिक्री किए थे। ठीक, अभी देखा जाए तो हाँ, कल्चरल रिक्री भी कुछ हुआ क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारा ड्रेस जो है वो बहुत हद तक वेस्टर्न हो चुका है। हम आजकल ऐसे बैठ के खिलाने वाला सिस्टम छोड़ चुके हैं। अगर किसी को अगर पार्टी बैठा के और सर्व करते हैं जिसको पांच लगा के खिलाना बोलते हैं, तो अगर वैसे करें तो बहुत बैकवर्ड है। तो हम लोग उसमें बफे सिस्टम में गए हैं, तो हम लोग भी कल्चरल इन्वेशन है हमारे ऊपर में। तो हमारा भी हम मिलिट्री विक्ट्री तो कभी नहीं किए, इंडिया का मिलिट्री विक्ट्री का कोई हिस्ट्री नहीं है कि कहीं कहीं से किसी देश को जाने जीत लिया हो, लेकिन कल्चरल अटैक का पूरा एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हुए हैं। तो कल्चरल अटैक में ये अगर बौद्धिस्ट लोग का बात करें तो उनका कल्चरल अटैक का जो सीमा होगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम लोग चाहें तो बुद्धिस्ट जो लोग थे वो लोग इस तरह से फैलाए, जिसको फैलाए उसको आगे बढ़ा दिया। तो अफगानिस्तान से लेकर के सेंट्रल एशिया के कई सारे देश, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, सारे के सारे लेकर के रशिया का साउदर्न हिस्सा से लेकर के जापान, कोरिया और इंडोनेशिया, ये सारा का सारा जो मेरा मैप और खराब होना है, यहाँ तक ईरान का बोर्डर तक सके। ठीक, बहुत बड़ा एरिया में बुद्धिस्ट लोग इसको फैला और उन देशों में ये धर्म अभी भी जिंदा है। एक थंब रूल रखेंगे कि नॉर्दर्न साइड में जितने सारे कंट्री है वहां महायान चलता है और साउदर्न साइड में जो है वहां हीनयान चलता है, एक थंब रूल जैसा बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से फैला। भारत में जो धर्म था कौन सा धर्म, यज्ञ पूजक, यज्ञ ब्राह्मण धर्म,
वो ब्राह्मण धर्म जो था अब धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से ये अलग थे, इस तरह से अलग थे कि ये जब जातियों का नाम लिखते थे, जातियों का, तो लिखते थे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इस तरह से, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो प्रेमेसी ये क्षत्रिय को देते थे। ये वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन कठोरता का जरूर विरोध किए, ये यज्ञ वाले नहीं थे, ठीक, ये ज्ञान प्राप्ति में भरोसा करते थे। तो ये लोग जो थे ये भारत में फैल चुके थे, लेकिन ये जो ब्राह्मण धर्म था जिंदा जरूर था, और इस जिंदा धर्म को, ब्राह्मण धर्म को बाद में सनातन धर्म का नाम दे दिया गया, और शंकराचार्य बौद्धिस्ट लोगों से भारत को मुक्त कर दिया, ठीक। अब शंकराचार्य आए, शंकराचार्य तो बौद्धिस्ट व्यवस्थ पढ़े, पहले बात है कि बहुत ही प्रिकॉशियस चाइल्ड, तो प्रिकॉशियस चाइल्ड जो होते हैं समय से पहले बढ़ जाते हैं, और इस तरह से वो बुद्धिस्ट लोगों को शास्त्र हराते गए और वो लोगों को हिंदू बनाते गए, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं उस समय का बात। तो इस तरह से भारत को तो वो ऑलमोस्ट बुद्धिज्म से मुक्त करा दिए, लगभग लगभग उनको क्रेडिट जाएगा। तो अगर बोलेंगे कि जिंदा कौन के भारत में हिंदू धर्म को, तो ये शंकराचार्य का नाम आएगा। फिर जो यज्ञ पूजन जो धर्म था, जो यज्ञ करने वाला जो धर्म था, वो धर्म बदल गया। उसके बाद इसी टाइम का बात कर रहे हैं, शंकराचार्य के आसपास से पीरियड होगा, कि यहाँ पर गुप्त काल था, और गुप्त काल के टाइम में धर्म बदल करके मूर्ति पूजक धर्म में ज्यादा बदल गया। आजकल का जो सती प्रथा, जो भी अभी का जिस हिसाब से सोचिए पूजा पाठ जैसा होता है, वो गुप्त काल में उस तरह का चला आया, लेकिन ये सनातन धर्म का विजय धीरे धीरे शुरू हो गया। तो बौद्ध धर्म भारत में जिंदा होगा, भारत से सारे विश्व फैला, और यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन कर होना शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम अटैक हुआ, और जब मुस्लिम अटैक हुआ तो बौद्ध धर्म पूरी तरह से ही खत्म हो गया, मतलब पूरा खत्म जिसको बोलते हैं। जब बख्तियार खिलजी ईस्ट में अटैक कर रहा था, तो उस समय बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के और खत्म किया। हम लोग ये देखेंगे बुद्धिस्ट लोगों पर कई सारे अटैक हुए, जहां पर जो मेजोरिटी में था वैसा अटैक किया। तो इंडिया में वैसे भी राजा हुए जो मौर्य काल के बाद जो भिक्षुओं का सर पर इनाम रखे थे, सिर लाओ और पैसा देना, बहुत भिक्षुओं का। तो ये सब इंडिया में घटनाएं हुई है। तो इसमें वहां ही नियम तो बात कर ही लिए, इधर का जो बात कर रहे हैं, इधर में जो धर्म फैला ये था वज्रिया, वज्रिया। ये सारा का सारा बात करने से पहले वापस लौट रहे हैं, एक बार वो बौद्ध धर्म को दूर तक ले गए, कहां तक ले गए, करीब करीब 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी इसको जीरो कर दिए। अकबर को जब पढ़ेंगे रिलेटेड आगे से, अकबर को जब पढ़ेंगे तो अकबर को भी सत्य प्राप्ति का बड़ा शौक, सत्य की खोज में लगा रहता, तो सत्य का प्राप्ति को सुन के करना चाहता था, विद्वानों का उसका बात। तो वो बहुत धर्मों के विद्वानों को आयोजित को बुलाया, तो जैनियों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, पारसी को बुलाया, क्रिश्चियंस को बुलाया, लेकिन बौद्धों को नहीं बुलाया, भारत के ही नहीं, ठीक। मतलब अब उसका दिमाग में बड़ा धर्म रहा ही नहीं होगा, हाँ वो चारों तरफ था, लेकिन इंडिया में उसका एक्जिस्टेंस अब नहीं था अकबर के समय। लेकिन इंडिया में एक चेंज आया, इंडिया में चेंज ये आया कि जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ने लगा और कास्ट मूवमेंट शुरू हुए, कास्ट मूवमेंट, तो उन लोगों को याद आया बुद्ध भी तो यही किए थे, कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात किए थे ना, कि हर जाति के लोगों को शिष्य बनाए। एक डांस प्रोग्राम आता है चंडाली का, बांग्ला डांस प्रोग्राम, हाँ चंडाली का, चंडाली का, चंडालिका, चंडाल लड़की है। रविंद्रनाथ टैगोर का कोई नाटक पर ये चंडालिका डांस बना हुआ है, उसमें दिखाया गया कि बौद्ध धर्म चंडालों को कैसे ट्रीट करते थे। आनंद और एक चंडाल लड़की की कहानी है, आप डांस देखेंगे, अच्छा अच्छा डांस है। तो हाँ, मतलब इस चंडालिका से प्रूफ होता है कि ये चंडालों के प्रति बौद्ध लोग जो थे वो बड़े लिबरल थे। तो जाति जाति प्रथा में जो कठोरता थी उसका तो बुद्ध विरोध किए ही थे। तो हमारे जो देश में जो वैसे जातियों के लोग हुए, जब कास्ट मूवमेंट हमारे देश में क्या हुआ ना,
आजादी के साथ में हम एक तरफ अंग्रेजों से तो लड़ ही रहे थे, साथ में वो जो दलित जातियां थी वो कास्ट मूवमेंट कर रही थी, खासकर साउथ में, ठीक, जैसे एजवा नाम का जाति था केरल में, वो कास्ट मूवमेंट कर रहा था। तो ये जो कास्ट मूवमेंट जो जातियां कर रही थी उनको बुद्ध याद आए, तो बहुत सारे दलित लोग बुद्ध बौद्ध बनना शुरू किए, तो बौद्ध धर्म फिर से इंडिया में चिंता होना शुरू। अम्बेडकर आपको पता है जन्म तो हिंदू में लिए थे, बौद्ध में मरे थे, ठीक। हम जिस राहुल संकट टाइम का बात बार बार बात करते हैं, थे तो ब्राह्मण लेकिन वो चूंकि थे, वो सारा का सारा इगलिटेरियन थिंकिंग था, इसलिए वो भी बौद्ध को अपना लिए थे। तो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे करके ग्रोथ होना शुरू, और अब हम लोग बौद्ध को फिर से इंडिया में देख पा रहे हैं। तो वहां तक हम ले आ रहे हैं स्टोरी को, अब वापस चलते हैं बुद्ध के पास, फिर चलते हैं। तो बुद्ध से जब पूछा जाएगा कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रुथ्स। तो फोर नोबल ट्रुथ्स क्या, पहला है दुख, सौरो सौरो, नंबर टू दुख का कारण, causes of sorrow, और तीसरा है दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति, cessation of sorrow, और चौथा है दुख निवृत्ति मार्ग। अच्छा दुख, बौद्ध धर्म, अच्छा लिखने को कई बार हिस्ट्री का ऑप्शन में आ सकता है कि बुद्ध एक निराशावादी थे, ऐसा दे देगा और उसके बाद आप लिखते रहिए, ठीक। तो आशावादी थे निराशावादी थे आप खुद डिसाइड कीजिएगा, लेकिन हम बता दें बुद्ध का कहना था कि दुनिया दुखपूर्ण है। बोल रहे थे कि जन्म लेते समय भी दुख, मृत्यु के समय भी दुख, सारा का सारा जिंदगी में तरह तरह की बीमारियां, उससे दुख, ठंडा लगता है तो दुख, गर्मी लगता है तो दुख, ठीक, सही बात है। तो कुछ लोग बोले कि लेकिन कभी कभी तो बहुत मजा आता है, कभी ओके जाट लोग करते ही है ना, कभी 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 तो खुश होते हैं ना, तो लोग फिर बोले कि जब वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाने का दुख, ठीक। बोलेंगे कि लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपका जीवन बड़ा खुश हो जाएंगे, तो कभी ना कभी चल जाएंगे, तो चल जाएंगे तो दुख। तो इस तरह से वो सारा दुनिया को दुखपूर्ण ब्लैक में पेंट किए, साइकोलॉजिकली सही बात नहीं है, देखा जाए तो दोनों मिक्स है, आप किस पर फोकस किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक। अगर वो अगर बुद्ध से बहस किया जाए तो बोल ही सकते हैं कि दुख चला जाएगा तो सुख, ठीक, तो दुनिया सुखपूर्ण है, वो ऐसे उनके कि दुख चला जाएगा, सुख चला जाएगा तो दुख, तो आप उल्टा करके बोलेंगे तो सुख ही सुख दिखने लगेगा, कि दुख भी तो ट्रांजिएंट ही है ना, हाँ दोनों ही ट्रांजिएंट है। तो अकला दुख का कारण, तो उनसे पूछा गया क्यों दुख है, तो दुख क्यों एक्सप्लेन करने के लिए जो सिद्धांत वाला है उसको बोलते प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल को प्रोड्यूसेडनेस, कंडीशनल को प्रोड्यूसेडनेस। लेकिन जब लिखेंगे तो इंग्लिश में, तो पहले हिंदी में लिख देंगे फिर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। तो प्रतित्य समुत्पाद यानी कि हर नई घटना पुरानी घटना का परिणाम, प्रतित्य समुत्पाद का मतलब सीधा सीधा है कि हर पुरानी घटना, सॉरी हर पुरानी घटना नई घटना को जन्म दे देती है, ठीक। तो ये इसके इसमें हम लोग फिलोसफी का, चूंकि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बोलने के लिए बोल रहे हैं कि दुख क्यों है। तो दुख इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर में तृष्णा है, ऐसा बुद्ध बोल रहे हैं तृष्णा है। तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि तृष्णा क्यों है, तो बोलते हैं क्योंकि लोगों के अंदर में वासना है, वासना क्यों है, तो फाइनल पहुंचाते हैं कि अज्ञान है। अज्ञान के बाद कुछ नहीं बोलते, अज्ञान में लेके छोड़ देते, तो बोलते हैं कि दुख का मूल कारण अज्ञान है, तो मूल कारण अज्ञान है, लेकिन प्रतित्य समुत्पाद से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तृष्णा वासना दस दस लिस्ट है, आप लिस्ट कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए खुद से, उस लिस्ट में मूल में ले जाकर अज्ञान में छोड़ देते हैं। तो फिर दुख निवृत्ति बोलते, अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो दुख का निवृत्ति हो जाएगा, बस ज्ञान बुद्धि तो खुलना है और उसके बाद दुख गया, ठीक।
तो दुख निवृत्ति होगा, उसको बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति, ऐसा ही बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति। और फिर उनसे पूछा जाएगा तो बताइए कैसे करें, तो वो क्या बोलते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ। तो अष्टांगिक मार्ग को का पालन कीजिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक विचार और कई सारे हैं, सम्यक समय प्रॉपर, तो ये जो है इनका पालन करने से आपको ज्ञान का प्राप्ति, आपको ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा और दुख से निवृत्ति हो जाएगी। तो बुद्ध का चार आर्य सत्य होते हैं, फोर नोबल ट्रुथ्स, बुद्ध को चार सत्य प्राप्त हुए थे। ठीक, आगे बात यह है कि बुद्ध क्या बोल गए। तो बुद्ध जो बोल के गए, वो बुद्ध या तो दोनों धर्म, एक जगह अब समराइज कर देगा, पहले बौद्ध और जैन, ये दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ये भी बात हम आप लोगों को बोलेंगे कि इस बात को भी जनरल पब्लिक से बहस मत कीजिएगा, हाँ मत बोलिएगा कि बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, आप एकदम बहुत अनपढ़ समझेंगे। दोनों ही धर्म वेदों के अमोघत्व पर, तो अथेइस्ट होगा, अथेइस्ट वेदों के अमोघता, अमोघत्व और विश्वास नहीं, अमोघत्व मतलब इनफैलिबिलिटी, इन हाँ सैक्रोसैक्ट, ठीक है, इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, तो डोंट बिलीव। तो ये दोनों ही वेदों, यहाँ पर ये हमारे सनातन धर्म से अलग निकल जाते हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म क्यों नहीं है, क्योंकि वेदों पर उसका भरोसा नहीं है। अगर इस्लाम पर, अगर सिया बोलेंगे हम इस्लाम है, हम मुस्लिम है, और सुन्नी बोलेंगे मुस्लिम है, तो दोनों बोलेंगे कुरान हमारा ग्रंथ है। जिस दिन सिया बोला उसको कहते कुरान को नहीं मानते, उसे इस्लाम से बाहर हो, कोर है उसका, तो हमारा कोर तो वेद है। दूसरा है कि दोनों के दोनों आत्मा अपने, अनिश्चर हो गया, एक बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, इसको बोलता है जीव। तो दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते, दोनों ही धर्म वेदों के अवगत पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक आत्मा को मानता है और एक आत्मा को नहीं मानता है। ठीक, आगे बात करते हैं। बुद्ध से पूछा जाएगा, हाँ अथेइस्ट से, यस अथेइस्ट, लेकिन अगर बचना हो बहस से तो आप बोलिए एग्नोथेइस्ट, एग्नोथेइस्ट। और वैसे जहां तक ईश्वर का पाठ है, वो रिपीट करके बोल देना चाहिए आपको कि इस पर तो हमारे दो फिलोसफर भी बड़े बड़े लड़ चुके हैं। राधा कृष्णन अपना जो एक बुक, दो फिलोसफी, हमारे जो सर्वपल्ली राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट भी थे, तो ये फिलोसफी का दो बुक लिखे, उसमें बौद्ध धर्म कहीं पर लिख दिए हैं कि बुद्ध ईश्वर को मानते थे, और राहुल संग्रीता उसको क्रिटिसाइज किया। तो इतने बड़े बड़े विद्वान भी इस पर लड़ चुके हैं इस मुद्दा पर। एनीवे हम लोग अपना काम करें, राधा कृष्ण के द्वारा, हाँ, राधा कृष्ण फिलोसफी के बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, और राहुल संग्रीता है विद्वान, और प्लस दूसरा चीज लिखेंगे जो हमको दिखेगा। हाँ, तो बुद्ध की बात करें, बुद्ध से पूछा जाएगा कि भगवान है क्या, तो बुद्ध बोलेंगे कि एक हिरण को तीर लगा हुआ है, तो वो तीर कौन बनाया ये मत पूछो, उस हिरण का इलाज करो। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि बुद्ध जो थे वो अनिश्वरवादी नहीं, अज्ञेयवादी थे, अज्ञेयवादी, अनिश्वरवादी नहीं, अज्ञेयवादी, मतलब भगवान होता है या नहीं होता है ये नहीं जाना जा सकता, हाँ ये अज्ञेयवाद है। अनिश्वरवाद होता है कि भगवान नहीं होता है,
मतलब अगर ये कोई बोले कि भगवान नहीं होता है तो वो अनिश्वरवादी। तो बुद्ध को मैक्सिमम विद्वान बोलते हैं कि अनिश्वरवादी थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे नहीं अनिश्वरवादी मत बोलो और ये वादी बोलो, वो क्योंकि भगवान के बारे में उनका मानना रहा होगा कि भगवान को नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान के बारे में सोचना ही बेकार है क्योंकि भगवान होता है कि नहीं होता कोई नहीं जान पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी है तो उनको बोलते हैं ये वादी, बीच का पोजिशन देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि भगवान होता है, ठीक है, ईश्वरवादी। और एक और भी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ईश्वर विरोधी। ईश्वर विरोधी वाले बोलते हैं भगवान मिलेगा तो एकदम हम तो बटर कर देंगे उसे। तो बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध इस तरह का बात बोलती है। अगला बात, तो इसका मतलब है कि बुद्ध कुछ फिलॉसफी देके नहीं गया, भगवान होता है कि नहीं होता है ऐसा फिलॉसफी नहीं देखेगा। फिर बुद्ध से पूछा गया कि जीवन कैसा जिए, तो उस समय में कुछ लोग बोल रहे थे कि जीवन तब पूर्ण जियो, जब कष्ट कष्टप्रद जीवन, अपने आप को कष्ट दो, तप करो, तप एक तप करना, एक जैनी लोग जो थे तप करने का सिखा रहे थे, धूप में रहो, ठंडा छेलो, कष्ट दो। तो अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो फिलॉसफी ऐसा देंगे कि गरीबी में जीना चाहिए। गांधी जी, हाँ, कम खाओ कम पहनो, थर्ड क्लास में यात्रा करो, गांधी जी बोल ही रहते ना, ठीक। कुछ लोग बोले लग्जरियस जीवन जियो, निर्मल बाबा मतलब बहुत हम ऐसा बोल रहे जैसे वो जीत रहे हैं, बड़ा सोफा पे बैठ के खुद बैठे हुए, तो लोग भी सोचेंगे हम भी ऐसे बैठेंगे। तो ये दो तरह के लोग मिलेंगे, तो और भी लोग हो सकते हैं। तो बुद्ध से पूछा गया कैसा जीवन जिए, तो ये बोले कि मध्यम मार्ग में जिए। तो मध्यम मार्ग में जिए, तो उसका भी एक कहानी सुनाती है, बोले कि वीणा की तार को इतना मत टानो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसे संगीत ही ना निकले। मतलब कि नहीं कष्टप्रद जीवन जीना है और नहीं बहुत आनंदपूर्ण जीवन जीना है, ये दोनों का बीच बीच जीना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम मार्ग। तो ये जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल रिलीजन है, इसको अडॉप्ट करना किसी के लिए बड़ा आसान था। बोला क्या गया, मध्यम मार्ग पर रहो, ठीक। अहिंसा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की, अगर किए भी कि हाँ हिंसा नहीं करना है, लेकिन अगर सिचुएशन आएगा मध्यम मार्ग बोलता है कि नहीं हिंसा नहीं करना तो एक्सट्रीम में जाएंगे, तो बोले कि खा भी सकते हैं। तो ये धर्म तिब्बत में क्यों फैला, तिब्बत में वो खेती बाड़ी को ज्यादा नहीं होता, कश्मीर में क्यों फैला, यहाँ खेती बाड़ी का लोग जो होता है जानवरों पर डिपेंड है यहाँ पे। तो अगर जैनी लोग यहाँ पहुंचे होते और बोलते कि ये मुर्गा मत खाओ, ये बकरी मत खाओ, तो लोग बोलते तब तो एक जगह ही छोड़ के जाना पड़ेगा जैन बरने के लिए, तो वो नहीं अपना सकते। लेकिन बौद्धिक लोग गए तो खा सकते हैं, मध्यम मार्ग है आपके लिए, खाना ही मध्यम मार्ग है। तो इस तरह से सब लोग जो था इसको अडॉप्ट कर पाए और इस कारण से बौद्ध धर्म फैला। तो हम जब ये बात बोल रहे हैं, जो बात मांस मांस का फल रही हो या नहीं मरे हो, लेकिन बौद्ध धर्म अलाउड है, ये बात भी लोग बोलकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बौद्ध धर्म में मांस खाना अलाउड है, ठीक, क्योंकि मध्यम मार्ग है। कुछ भी खाओ लेकिन बीच बीच में। अब ये नहीं कि डेली का डेली मुर्गा, मतलब उनका कहने का मतलब है कि बीच बीच, हाँ बीच बीच। अगला पॉइंट है हमारा कि बुद्ध आत्मा पर भरोसा नहीं करते थे और परमात्मा पर भी नहीं करते थे, ना आत्मा है और ना परमात्मा है। तो परमात्मा तो बता ही दिए तीन और ज्ञान अब आत्मा। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत यह है कि पुनर्जन्म होता है और ये जैन धर्म का भी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्राडिक्शन होगा, कंट्राडिक्शन ये होगा कि लोग तुरंत पूछेंगे कि पुनर्जन्म अगर होता है तो किसका होता है, बस क्वेश्चन उठ जाएगा। आत्मा तो बोले कि नहीं होता, तो किसका होता है, तो किसका होता है, बुद्ध क्या बोले ये तो जानना मुश्किल है, उन्हें शिष्य क्या बोले हम बता सकते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के अनुसार फिर से उस सिद्धांत को फिर से वो लोग यूज करेंगे, वो बोलेंगे कि आत्मा के बिना भी पुनर्जन्म हो सकता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ही रहते हैं, हाँ, लेकिन उसके पहले बात बोले कि बुद्ध बोले कि दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। तो इसके तीन वर्ड दे रहे हैं, दुख, अनात्म और अनित्य। बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए तीन वर्ड समराइज करते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी बोलता है कि दुख है, अनात्म आत्मा नहीं है, और सब कुछ अनित्य है।
कुछ टिकेगा नहीं, परिवर्तनशील। तो इसको हम लिखते हैं सौर सोलस और ट्रांजिएंट परिवर्तनशील। तो हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम लोग ऐसे जी रहे हैं कि हम अपना कल्पना कीजिए एक दिया से जो जल रहा है। तो जो जो हम लोग का जीवन है वो उस फ्लेम जैसा है। तो वो फ्लेम में कभी नहीं बोल सकते कि अभी जो फ्लेम है वो पुराना वाला फ्लेम ही है, क्योंकि वो तो फ्लेम बदल रहा है पल पल। तो हम लोग ऐसे बदलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे हम परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो एक 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 फ्लेम से अगर बुझने से पहले नया फ्लेम को जला दे तो इसके कारण पैदा हुआ, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला फ्लेम ही ये वाला है, या इसमें से कुछ गया या कुछ मौजूद है वहां पर तो गया। तो ये बोले कि आत्मा नहीं है, फिर ये पुनर्जन्म हो सकता है। एक फ्लेम दूसरा में जला दी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते उस फ्लेम का कुछ कोई भी चीज अब है उसमें, हाँ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यस यही है। और ये सिद्धांत रहा प्रत्यक्ष समुत्पाद, प्रत्यक्ष समुत्पाद हर आने वाली घटना पिछली घटना का परिणाम है, आने वाली घटना पिछली घटना बुझने से पहले इसको जला दिया। तो ये पुनर्जन्म के बारे में बात कर रही है, नया पर्सन जो है वो पुराना पर्सन के कारण हुआ है। ठीक, यही तो बोलना चाह रहा है ना कि हर पुरानी घटना नई घटना को जन्म देती है, हर नई घटना पुरानी घटना का परिणाम है। तो पुनर्जन्म भी वैसे ही वैसे 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 चल रहा है। और बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं में तो है, जातक कथा, जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की 500 कहानियां, 500। तो 500 कहानी में बुद्ध बहुत सारा योनि में आपको मिलेंगे, जैसे बंदर का बंदर में मिलेंगे, सन्यासी के रूप में मिलेंगे। और कहानी पढ़िएगा वो बुक फेयर में खूब मिलता है सब। तो मतलब बहुत सालों तक अच्छा अच्छा काम करने के बाद, प्रयास करने के बाद बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हो गया, ऐसा बोलेंगे। तो बौद्ध धर्म का ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग सिखा दिए कि हम लोग सीखे अभी कि प्रतीत समुत्पादक सिद्धांत है, जिससे ये बताया जाता है कि दुख क्यों है, और यही बताया जाता है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। दोनों के लिए एक ही सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग ये देख लिए कि ये बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी है, आत्मा भी नहीं मानता है, और मध्यम मार्ग में रहना सिखाता है। और इस मध्यम मार्ग के कारण इसका पॉपुलरिटी बढ़ता है। तो बौद्ध, ठीक है, तो बुद्ध का बारे में तो बात कर ली, अब बौद्ध संघ का बात कर ले। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष का उम्र होना चाहिए, संक्रामक रोगी नहीं होना, कोई इन्फेक्शस डिजीज उसको नहीं हो। इसके अलावे वो किसी का पैसा लेके नहीं आया हो, कर्जदार इन लोगों को एंट्री में मारा था, और क्रिमिनल्स जो थे उन लोगों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता। इसमें कर्जदार वाला मुद्दा राहुल सरकार ने उठाया है कि जो लोग कर्ज लेकर के और घर छोड़ देते थे उनको बुद्ध क्यों नहीं शामिल किए संघ में। तो इसके पीछे वो लोग बोलते हैं कि जितने सारे बड़े बड़े नेता हुए हमारे देश हमारी दुनिया में, उन लोगों का पैसा का जरूरत हमेशा होता है। गांधी जी ठीक है, खुद तो बड़ा अजीब सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पैसा का उनको कमी नहीं था इस काम के प्रचार करने के लिए, क्योंकि जो धन कुबेर थे ना यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट सब, वो बजाज वगैरह और जो भी उस समय के जाने माने लोग थे, वो खूब चंदा देते थे इनको। हाँ, ये भी बोलते थे कि हम एक एक पाई पाई का हिसाब देते हैं, लेकिन पैसा तो इनको मिलता था। रामदेव बाबा पहनते तो जरूर वो छोटा सा जो कपड़ा है, लेकिन पैसे का कोई कमी नहीं है। मतलब इंडिया के लगता है फोर्थ या फिफ्थ का नाम आ गया है, तो पैसा तो उनको भी चाहिए। तो ये लोग जो होते हैं पैसे वालों को नाराज नहीं कर सकते, चाहे गांधी जी हो या कोई भी हो, पैसे वालों को नाराज नहीं कर सकते। तो ये कर्जदारों को अगर संघ में ले आते तो उनका पैसा डूब जाता। तो ये वही गांधी जी वाला हो गया ट्रस्टीशिप सोशलिज्म में बीच बीच का। ठीक, कम्युनिस्ट वाले क्या करते हैं कि आओ सब पैसा सभी लोग लेके आ जाओ, हाँ हम संभाल लेंगे, लेकिन ये नहीं, ये तो
देखो मतलब वो सिद्धांत के चल रहे मतलब सोशलिज्म नहीं है यहाँ पे कम्प्लीटली, 1000 वर्ष से प्रूफ होता है। हम लोग बौद्ध धर्म का तीन ये का जो बड़े बड़े भाग है उसके बारे में पढ़ ही लेते हैं, और वज्रिया ठीक है, हे हीनिया हीनिया मान सकते हैं कि ओरिजिनल बुद्धिज्म के करीब है। बुद्ध बोल के गए थे कि दुनिया परिवर्तनशील है, भिक्खु प्रयत्नशील हो, तो बुद्ध बोल के गए कि प्रयत्न करना। उनका कहने का मतलब था जैसे हम अपना कोशिश से आखिरकार 29 साल के एज में घर छोड़ दिए, 6 साल तक इधर उधर भटके ध्यान किए तो हम ज्ञान प्राप्ति किए, तुम लोग को भी हम रास्ता बता दिए, अष्टांगिक मार्ग ये वाला रास्ता देखो और इस रास्ता पर चलो, तुमको भी निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा। तो हीनयान वाले बोलते हैं कि बुद्ध हम लोग को रास्ता दिखाए, बुद्ध तो मर गए और बुद्ध अभी इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन उनका रास्ता है, हम उस रास्ता पे चलेंगे और हम भी निर्वाण प्राप्ति करेंगे। हीनयान तो हीनयान के जो भी संघ होगा वो सब लोग अपना अपना प्रोसेस में लगे रहेंगे कि निर्वाण प्राप्ति करें, सब लोग अपना अपना प्रोसेस करेंगे, ये हीनयान ठीक। तो अब आपको कंपैरिजन में हमेशा रामदेव बाबा निर्मल बाबा याद आ जाते हैं, हम उसी एग्जांपल से फिर समझ में आता है। तो रामदेव बाबा बोलते हैं कि सब आदमी पैर हिलाइए, तो सब आदमी पैर हिलाएंगे तो वजन कम होगा, जो नहीं हिलाएंगे उनका नहीं कम होगा। तो हीनयान क्या है कि सबको कोशिश करना पड़ेगा। हीनयान में समस्या ये है कि कुछ लोग आपके घर में ही होंगे जिनको सुबह सुबह 2 दिन उठा दीजिए, 2 दिन तो पैर हिलाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे हमको सोने दो, हमको मोटा ही ठीक ठीक। तो ये हीनयान जो है, हीनयान को अपनाना आसान नहीं होगा क्योंकि मेहनत सिखाता है। दूसरा बात, एक और एग्जाम्पल देंगे जो आप लोग से पर्टिनेंट होगा, महायान। महायान बोलता है कि बुद्ध निर्वाण प्राप्ति कर तो ली, दुनिया में है और सबको हेल्प कर रहे हैं, बड़े दयालु है। अब एक नया वर्ड है दयालु, बड़े दयालु है, जो भी लोग निर्वाण प्राप्ति में लगे हुए हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। और जब तक इस दुनिया का सबसे खराब जीव भी, जीव मानव बात नहीं कर रहे, जीव को भी निर्वाण प्राप्ति नहीं करा देते तब तक वो जाएंगे नहीं, लास्ट में जाएंगे, सबको पार करा के जाएंगे। हाँ, तो अगर सबको पार करा के जाएंगे तो फिर अगर हाँ अभी अभी एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि सबको पढ़ना पड़ेगा तो हीनयान है ठीक। और अगर हमें बोलते हैं आप लोग अपना कोशिश कीजिए, लेकिन आप हम इंश्योर कर रहे हैं हम सबको पार कर देंगे, तो आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, चलो सब तो लगे। तो ये जो कंफर्ट होगा ना, तो अगर चलिए हम बगल का इंस्टीट्यूट का बात करें, बगल में इंस्टीट्यूट है वो ऐसा बोलता है, हम बोलते हैं पढ़ो और बगल बोलता है कि हम है ना, तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग उधर चले जाएंगे, वहां पर एक है वो कर देगा। हाँ, तो इससे जो कंफर्ट होता है ना उसका पॉपुलरिटी को बढ़ाता है। तो रामदेव बाबा तो पैर हिलवाएंगे, निर्मल बाबा क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम यहीं से सब देख लेते हैं, हम सब ठीक कर देंगे, बोलते हैं सुने बोलते हैं कि मेरा जो हम जब मन का बात जान लेते हैं तो हम आपके दुश्मनों का भी मन का बात जान लेते हैं और हम यहीं से ठीक कर देंगे, एक बार हम सुने थे डायरेक्ट। तो ये जो बात है ये महायान वाला कि हम हैं, तो महायान जो था उसका पॉपुलरिटी बढ़ा क्योंकि उसमें बुद्ध को मतलब एक करुणा वाला बात आ गया है, बुद्ध के अंदर में एक गुण आरोपित किया करुणा वाला, और वो लग लग के सबको पार करा। तो महायान एक बड़ा गाड़ी है, महा बड़ा यान गाड़ी जिसमें कई लोग एक साथ पार हो जाएंगे, और हीनयान एक छोटा गाड़ी है जिसमें जो मेहनत करेगा वही पार, इसमें ग्रुप में ही पार हो जाएगा महायान में। अगला बात महायान का होगी, महायान बोलता है कि जो लोग निर्वाण प्राप्ति हो जाता है और निर्वाण प्राप्ति के बाद चले जाते हैं वो लोग स्वार्थी है, ठीक निर्वाण प्राप्ति कर लिए और चले गए स्वार्थी, ऐसा नहीं बनना है। बनना कैसा है, बनना है बोधि सबको, मतलब आप वो मत बनिए कि आप निर्वाण प्राप्ति करके चल दिए, बोधिसत्व बनिए। बोधिसत्व वो पर्सन होता है जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ है,
और जब निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा तो औरों के लिए भी मेहनत करेगा, दूसरों के लिए। तो बोधिसत्व तो उस रास्ता में चलने वाला व्यक्ति है बुद्ध के रास्ते पर, जो कि निर्वाण फाइनल निर्वाण लेने से पहले बाकियों का हेल्प करेगा। फिर इसी इश्यू में एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर यहाँ हमारा टारगेट है कि यूपीएससी निकाल करके आईएएस बन करके चले जाएंगे नौकरी करने, तो बाकी लोग बोलेंगे ये सरफेस थॉट है। हाँ, धीनिया, जो भी आईएएस बनेगा वो सबको हेल्प करेगा, किसी भी तरह से हेल्प करेगा। तो वो जो हो गया वो बोधिसत्व हो गया। तो सब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग बोधिसत्व बनेंगे, तो ये हो गया हमारा महायान। एक ग्रुप एफिलिएशन, ये महायान धीनिया में ग्रुप एफिलिएशन नहीं है। अगला बात ये है कि बुद्ध को गुरु के रूप में पूजता है और महायान ईश्वर के रूप में। बौद्ध धर्म में ईश्वर का कल्पना नहीं है, लेकिन महायान वाले बुद्ध को ही ईश्वर मान लेते हैं। जो हेल्प कर रहा है वो दुनिया को चला नहीं रहा है, ऐसा नहीं, वो वाला ईश्वर नहीं, ये मत सोचिएगा कि दुनिया को चला रहा है वो वाला ईश्वर नहीं, लेकिन वो वाला ईश्वर जो हम उनका भगवान है, जो हमको पार कर देगा। थोड़ा फर्क है, लेकिन बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये उनके ईश्वर है बौद्ध के। महायान में बुद्ध बौद्ध के ईश्वर है जो उनको पार कराने में लगे हुए हैं। तो महायान में चूंकि वो पार लगाएगा तो हम लोग को भी तो थोड़ा पूजा वूजा करना पड़ेगा, तब तो चमचागिरी तो थोड़ा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको मूर्ति बनाना पड़ेगा, मूर्ति बना करके पूजा करना पड़ेगा। तो महायान में मूर्ति पूजा शुरू होगी, ठीक। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होगा, बुद्ध का सिंबल्स का पूजा होगा, पैर का छापा होगा, बोधि वृक्ष का हो सकता है। पूजा मतलब क्या, इस सेंस में जस्ट एक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है महायान में यहाँ एक पद्धति बना ली पूजा, उनका मूर्ति का पूजा, ठीक, क्योंकि करुणा में व्यक्ति लगा हुआ है काम में वज्रया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बुद्ध तो कहीं हम यही नहीं देखे कि सेना लेकर के लड़े होंगे किसी से, या अपना धर्म को प्रचार करने के लिए बोले होंगे कि मार काट मचा दो, ऐसा तो नहीं सुने। लेकिन जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं अभी मार काट मचाते हैं, किसके नाम पर, बुद्ध के नाम पर। म्यांमार में बौद्धिस्ट लोग रोहिंग्या लोगों को मार के भगा दिए, श्रीलंका में बोधु बल सेना मुस्लिम लोगों से लड़ रहा है। तो बुद्ध के नाम पर लड़ाई झगड़ा तो कर ही रहे, बुद्ध का नाम रह गया, मतलब अगर बुद्ध सही में होते तो रो रहे होते कि मेरा नाम पर क्या क्या कर रहा है। तो वज्रयान भी कुछ ऐसा ही रहा, बुद्ध बोल भी गए कुछ, वज्रयान वाले किए कुछ, वज्रयान वाले बोले कि निर्वाण प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। ओम मणि पद्मे हूं, ये उनका ये मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूं, कमल में मणि छुपा हुआ है, ऐसा बोले। मीनिंग क्या, मीनिंग कंप्लीटली सेक्सुअल है, ठीक, सेक्सुअल एक्टिविटी से निर्वाण प्राप्ति हो जाए। और कैसे होगा, रिंग क्लिंग वाला बनाओ, स्वास्तिक बनाओ, डिजाइन बनाओ, छिपकली मारो रख दो, और कुछ स्वाति नक्षत्र और क्या क्या नक्षत्र होता है उसमें ये तरह से घूमो, लोग करते हैं ना तंत्र मंत्र बहुत सारा, तो तंत्र मंत्र का निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा। तो ये तांत्रिक बौद्ध धर्म, सेक्सुअलिटी और प्लस तंत्र मंत्र, ये दोनों को ही प्राथमिकता दी। ये बात मतलब बौद्ध धर्म से आपको कहीं पर कनेक्शन जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, और ये बौद्ध धर्म बिहार और बंगाल में खूब फैला। हाँ, तो बिहार और बंगाल में बहुत फैला, और फाइनली यही मुस्लिमों का शिकार हुआ। बिहार में यूनिवर्सिटियां थी, ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये उस समय तक ये बहुत पॉपुलर था। तो वज्रयान, ये तीन बड़े बड़े धर्म है, सेक्ट है,